मैं बलविंदर कौर धनोड़ा जी, जो अज साडा धरना सी ये अपने पार्टियां तो उपर उठ के सी दलित भाईचारे ने सरदार गुरमत सिंह ढोलन माजरा उन्हां दी सारी टीम ने उपराला किया और मनीषा की जो घटना है और किसानों के नाल जो धक्का हो रहा है और धर्मसोत के नाल जिहड़े उन्होंने घोटाला किया पैसों का वो बारे तीन मुद्दों के उत्ते अज ये दलित भाईचारे का जिहड़ा सीगा धरना वो सी। तुसीं देखिया कि हर बंदे ने रोया पिटिया दलित की बेटी नूं लुटिया कुटिया पुटिया उन्होंने और उन्होंने माँ बाप नूं उन्हें संस्कार करने का भी मौका नहीं दिता, अपने आप अद्धी रात नूं जला के उन्हें खत्म कर दिता। यह जी सरकार की असी घोर निंदा करते हैं और असी कहना चाहते हाँ कि जिहड़ा ये भाईचारा है अपना भारतीय जनता पार्टी ये निंदण योग है और जे साडे पंजाब दे विच जिन्ने भी भारतीय जनता पार्टी वाले आ उन्हां लई भी शेम शेम है। हाँ जी, मैं तो सरकार को यही कहना चाहुंदा जो मनु सिमृति के तहत ये जो अपना षडयंत्र रच रहे हैं ये इन्हां दा चलने वाला नहीं है। जिदा यूपी की गौरमेंट ने एक स्पैशल फोर्स बनाई है, एक औरतों की प्रोटेक्शन लई भी एक स्पैशल फोर्स बनाई जाए ता कि जो अत्याचार हुंदा उहदे तुरंत एक्शन लैके दोषियों नूं अरब कंट्री की तरह तुरंत इन्हां नूं फाहे लाए जाण, ना कि लंबा इन्हां नूं लटकाया जाए। अज यह जिहड़ा धरना लगे है जी बड़ी निंदणयोग घटना हैगी है। तो मैं तो कहना भी जदों की सेंटर दे विच इह सरकार आई है BJP की यह कोई ना कोई काला कानून लेके आ रही है और जिहड़ा इन्होंने अपने ही मंत्री शंतरी जिहड़े लाए हुए सारे गुंडे लाए हुए ने, गुंडे भी कहते हैं सारे बाबे लाए हुए हैं, उन्होंने कानून की कोई जाँच नहीं हैगी। वो सारा कुछ जो ताणा बाणा चल रहा है, सिस्टम चल रहा है बड़ा खतरनाक है। ये कहते जी डिजिटल इंडिया बनाना है, ये डिजिटल इंडिया नहीं है, पत्थर युग बन जा रहा जी दोबारे, ये पत्थर युग बन जा रहा है, ये कोई डिजिटल युग नहीं बन जा रहा। और जड़िया घटनावान हो रही ने ये सारिया ये ताणा बाणा जोड़ा है सेंटर तो ही चल रहा है, ये सारा कुछ इन्होंने पता है, ये इन्हों के रहनुमाई से हो रही। मैं तो मेरा कहना तो यह भी सारा इन्हों रहनुमाई से हो रही है, ये हुण सुधर जाण, नहीं तो जिहड़ा अज कोई ना कोई बाह लगती आ लगती है तो कोई ना कोई जागता है। तो दलित भाईचारा भी जाग चुका है, किसान भी जाग चुका है, एक पंजाब तो लहर स्टार्ट हो चुकी है। इन्हों का जिहड़ा है हुण मटिया मेस करन लई बिस्तरा गोल करन लई असी सारे एकजुट होण जा रहे हैं। आने वाली सरकार हैगी और असी उहदे असी जिहड़े चथले हैगे उड़ा देणे हैगे। अज का जिहड़ा प्रोग्राम होया ये इन्हां दे काले कानूनां दे खातर ही होया कि भाई हर एक बेट लेडीज आज तक कोई भी सुरक्षित नहीं है। किसी की बेटी होवे नहीं कि दलतों की हो बेटी, किसी भी समाज की बेटी होवे, पर इन्हां दा क्या ये तो कानून ये तो जिहड़ा अंग्रेजों के राज नहीं होया, मुसलमानों का राज सीगा जिहड़ा उन्हां दे विच भी नहीं, बाबर के राज नहीं होई है गल जिहड़ी कि हुण हो रही है। क्यों ये साडे ही समाज में गरीब आदमी नूं क्यों कोई भी नहीं आवाज़ चकदा कि वह गरीब की लड़की चाहे लड़की ब्राह्मण की अत्याचार क्यों हो, क्यों बलात्कार किया, वह तो कहने बलात्कार हो ही नहीं। दसो इन्हें पुलिस उन्होंने मार के चक के मर गई, मरण तो बाद कितने ले जाने मड़िया च, ना कि उन्होंने प्यो न माँ को जेड़ा कि हिंदुस्तान दे विच एक रिवाज है कि वह मर मुर्दे किमें चक के ले जाने किमें की करते हैं किमें उन्हों दाग दिता जाता पुलिस की शह नाल, वह जोड़े गुंडे ने वह नाल होके आए ने नाल रहे ने तां पे पुलिस उन्हां दी मदद करती है। इस करके ये जुल्म तो खिलाफ अज बहुजन समाज क्या है सारे ही समाज अज जिहड़ी पार्टी अंदर सेंटर च बैठी है अब वो सब तो वधिया उहदा कारगुजारी हो रही है सब तो वधिया। वो अज जे पंजाब दे विच लहर चली है तो सब तो वध लहर झाड़ू वालों की चली। ये जो भैन मनीषा दा नाल जो उत्थे होया वो बहुत ही दुखदाई है, तो असी बेनती करते हैं भी उत्थे गवर्नर रूल लगना चाहिए तो जोगी साहब नू मतलब किसी मंदिर का पुजारी बन जाना चाहिए। जे इदा ही हुंदा रहूगा तो फूलां देवी वर्गियां फुलवाड़ियां खिल जाणगियां, फिर जिहड़ी है सरकारां नू बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सो बेनती है भी ला एंड आर्डर नूं कायम रखा जाए, SSP DC नूं स्पैशल इंस्ट्रक्शन दित्तियां जाण भी जिथे भी कोई गलत कोई आंसर आउंदा उन्हूं तुरंत बनदी सज़ा दित्ती जाए। इस केस में तो फांसी की सज़ा होनी बहुत जरूरी है। मुद्दे बहुत ने, आज जो पंजाब दे विच
वजीफिया का मुद्दा है, ये तो बिटवीन गौरमेंट तो कॉलेजों का, तो जोड़े गरीब बच्चे ने वो तो पढ़ चुके हैं, जो उन्होंने सर्टिफिकेट कॉलेज नहीं देंगे, उन्होंने बर्थ सर्टिफिकेट नहीं देंगे, उन्होंने डिग्रियां नहीं देनगियां, वो अपलाई किमें करेंगे? ठीक है जी, वो मतलब ओवरएज हो जाएंगे, इदा ही उन्होंने तो रादर उल्टा नुकसान हो गया। ठीक है, तो मुद्दा एक आरटी एक्ट है, सिक्ख्या का अधिकार कानून 2009 सरदार मनमोहन सिंह कांग्रेस गौरमेंट का बनाया हुआ है। कल्ला ही पंजाब सूबा है जिथे एक भी बच्चा इस एक्ट के थले प्राइवेट किसी भी अनरेटेड स्कूल के दाखिल नहीं होया। रीज़न उस समय की बादल सरकार ने डिफेक्ट पाया से नोटिफिकेशन नू, भी पहला बच्चा सरकारी स्कूल जाऊगा, जे उत्थे दाखला नहीं मिलता, उत्थे सीट नहीं है, NOC लेके फिर वो प्राइवेट स्कूल दाखिल हो सकता है। मैनू दसो भी सरकारी स्कूल तो उत्थे कोई सीटा फिक्स है MBBS वाग, जिवें MBBS है भी 50 सीटा 51 दाखिल नहीं होने, 100 सीटा 101 दाखिल नहीं होने, तो इत्थे तां कोई जिन्हें बच्चे गए हैं वो सारे दाखिल हो जाने हैं, तो गरीबां दे बच्चे पढ़ते हैं खास तौर पर दलता दे, उत्थे टीचर है नहीं, वो जिहड़े टीचर हैगे उन्होंने बाहर ड्यूटियां पर ला दिंदे आ, कदे सेंसस पर लाता, हुण आ मतलब अगां लग रही हैं उत्थे भी ड्यूटियां लातियां, उन्होंने तो मतलब होरे कमां ला रखते हैं, जो असली बच्चे हैं उन्होंने गरीबां दे बच्चे पढ़े नहीं पाते। क्वालिटी एजुकेशन पंजाब डराई होगी, कैग रिपोर्ट भी विधानसभा पेश होगी, कोई नहीं बोलता। सो ये बहुत बड़ा इशू है, ये जड़ा इशू है राइट टू एजुकेशन का, प्राइवेट अनएडेड स्कूलों फ्री पढ़ाई का, वो अगलिया विधानसभा मेन मुद्दा होएगा। सो मेरी बेनती है भी मेन पोलीटिकल पार्टियां खास तौर पर आम आदमी पार्टी जी अज एपोजिशन है, इस मुद्दे लोगों तक सड़कों तक ले जाए। धन्यवाद।